हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शुद्ध शाकाहारी भोजन में। आज हम बना रहे हैं लौकी, आलू, शिमला मिर्च और टमाटर की मिक्स मसालेदार सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। इस सब्जी को हम कुकर में बनाने वाले हैं, क्योंकि लौकी की सब्जी कुकर में बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती है, कम समय में बन जाती है, अच्छे से पक जाती है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मसाले में 2 बड़ी चम्मच धनिया, 1 बड़ी चम्मच जीरा, गोल मिर्च 1 बड़ी चम्मच, लौंग 5 से 6, थोड़ी सी जावित्री। अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। भून करके इसका कलर हल्का सा चेंज करेंगे, उसके बाद इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मसाले हमने पीस करके दरदरा तैयार कर लिया है। और अब आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल। लौकी की सब्जी बनाने के लिए बहुत ही कम तेल की आवश्यकता पड़ती है। 1 छोटी चम्मच छौंक में पंचफोरन डालेंगे। इसके साथ ही 1 तेज पत्ता भी हम छौंक के लिए डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। 2 बारीक कटी हुई प्याज, प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे तेल में। एक काटी हुई ये शिमला मिर्च है, अब इसको हम डाल देते हैं प्याज के साथ। प्याज का कलर जब चेंज हुआ है तब मैंने इसमें डाला है, और अब इसको हल्का सा प्याज के साथ में ऑयल में भून लेते हैं शिमला मिर्च को भी। शिमला मिर्च डालने से लौकी की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। बहुत ज्यादा इसको हम पकाएंगे नहीं। अब हमने जो मसाले पीस करके तैयार किए हुए हैं वो डाल देते हैं इसमें। मसाले को हम आधे से 1 मिनट तक गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम करके भूनेंगे। भूनने से पहले इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। हरे मिर्च हम इसमें नहीं डाले हैं, इसलिए हम लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब इसको हम पकाएंगे मसाले को आधे से 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। अब हम डाल देते हैं आलू और लौकी, जो हमने एक साइज में काटा हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों की शेप। अब इसको हम डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको कुकर में मिला देते हैं, क्योंकि एक बार में डालने के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको मिलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसको मिलाते हैं। इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है, मसाला एकदम अच्छे से पक गए हैं। अब हमें सिर्फ आलू और लौकी को पकानी है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रेसिपी डाले हुए हैं लौकी के, अगर आप प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो लौकी के एक से एक रेसिपी आपको टेस्टी टेस्टी मिलेगा। अब इसमें हम 1 टमाटर डाल दे रहे हैं। सारी चीजों को डालने के बाद इस कुकर में हम सीटी लगाएंगे, ताकि फिर खोल के कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े। ये सारी चीज एक बार में डालने पे मिल जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं और बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाती है टेस्टी सी सब्जी। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो ये बेहद ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। कुकर में सीटी लगाने से पहले इसमें हम थोड़ी सी पानी को डाल देंगे, ताकि सब्जी जो है वो चिपके ना नीचे, इसलिए थोड़ी सी पानी। वैसे तो लौकी ऑलरेडी पानी छोड़ता है, फिर भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि
सब्जी अगर चिपक जाएगी तो वो जली जली से हो जाएगी, उसका स्वाद पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। भले ही अगर पानी लॉक के ज़्यादा निकल जाएगा तो हाई फ्लेम करके इसको हम सुखा देंगे, लेकिन पहले पानी थोड़ा सा ऐड कर दिए। छोटी सी कटोरी से हमने एक कटोरी पानी डाला है। अब कुकर को हम बंद कर देंगे। कुकर में हम मीडियम फ्लेम में 2 सीटी लगाने वाले हैं। 2 सीटी के बाद इसको खोलेंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पानी है, तो पानी को थोड़ा सा सुखा देंगे। अब हम कुकर को खोल रहे हैं, 2 सीटी आ चुकी थी। आप देख सकते हैं पानी थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन सब्जी अच्छे से पक गई है। आलू लौकी सब अच्छे से मिल चुका है। अब हम हाई फ्लेम करके इस पानी को थोड़े से सुखाने की कोशिश करेंगे। पानी को सुखाते सुखाते जो लौकी है वो भी थोड़ा ग्रेवी टाइप में हो जाएगा, जिससे सब्जी देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट है ही। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें कि ये टेस्टी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो गर्मा गर्म हमारी आलू लौकी शिमला मिर्च टमाटर की मसालेदार टेस्टी टेस्टी से सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर से बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और पसंद आए। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और आप उस रेसिपी को फटाफट से देख करके बना सकें। तो बने रहें हमारे साथ। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, उसको भी आप जा करके देख लीजिए और इस सब्जी को बनाइए और इसके स्वाद का लुत्फ़ उठाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।